टाइगर दिशा पर FIR फाइल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कसा तंज, लोगों को किया अपने ही अलग स्टाइल में अवेयर। दिशा और टाइगर श्रॉफ को क्या इनडायरेक्टली किया टॉन्ट? क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। लॉकडाउन के दौरान टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को घूमना किस कदर महंगा पड़ जाएगा, ये खुद उन दोनों ने नहीं सोचा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी मंगलवार को दोपहर 2 बजे के बाद मुंबई बैंड स्टैंड पर कार में घूम रहे थे। इस कारण उनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने बुधवार को FIR दर्ज कर ली। FIR दर्ज करने के बाद मुंबई पुलिस ने लोगों को अलर्ट करने के लिए टाइगर और दिशा को इनडायरेक्टली टॉन्ट करते हुए ट्वीट भी किया, जिसका कनेक्शन दोनों की एक फिल्म से था। इस ट्वीट में मुंबई पुलिस ने टाइगर या दिशा पाटनी में से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में जता भी दिया कि हीरोपंती किस कदर महंगी पड़ सकती है। मुंबई पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, वायरस के खिलाफ जारी जंग में बांद्रा की सड़कों पर मलंग बनना दो एक्टरों को महंगा पड़ गया। दोनों के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। हम सभी मुंबई वासियों से अपील करते हैं कि बेकार में हीरोपंती ना करें, जिससे COVID-19 के सुरक्षा नियमों में चूक हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 15 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मुंबई में दोपहर को 2 बजे के बाद बिना किसी कारण घूमने पर पाबंदी है। ऐसे में जब मंगलवार को टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी कार में घूमते दिखाई दिए तो पुलिस ने उन्हें रोक कर पूछताछ की। पूछे जाने पर दोनों ही कोई वाजिब कारण नहीं बता पाए। हालांकि बाद में पुलिस ने आधार कार्ड चेक करने के अलावा बाकी फॉर्मेलिटी पूरी की और जाने दिया। इस पर टाइगर की मॉम ने भी रिएक्ट करते हुए कहा कि वो बस घर लौट रहे थे। हालांकि इस पर अब तक दोनों स्टार्स ने रिएक्ट नहीं किया है। फिलहाल मुंबई पुलिस के इस ट्वीट पर आप हमें बताएं अपनी राय। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।